नमस्कार, मैं जिब्रान जरार खान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने चेतावनी जारी कर कहा है कि उन देशों पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो कोरोना संक्रमण के तहत यूएई में फंसे अपने नागरिकों को वापस नहीं बुला रहे हैं। ऐसे देशों के साथ यूएई अपने सहयोग और श्रम संबंधों से बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। यहाँ के नागरिकों को वर्क वीजा देने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूएई में फिलहाल सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। आपको बता दें, यूएई में करीब 33 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं जो इस देश की आबादी का लगभग 30% है। इस देश में भारतीय राज्यों में से सर्वाधिक लोग केरल के हैं, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग यहां रहते हैं। सरकारी WAM समाचार एजेंसी के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि मानव संसाधन और एमिराइटेशन मंत्रालय जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है उनमें उक्त देशों के श्रमिकों की भर्ती पर भविष्य में कड़ी पाबंदी करना और कोटा प्रणाली लागू करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि इन विकल्पों में इन देशों के संबंधित प्राधिकारियों और मंत्रालय के बीच हुए सहमति पत्रों का निलंबित करना भी शामिल है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी का नाम लिए बगैर बताया गया है कि देशों ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद वापस बुलाने के अपने नागरिकों के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद इन विकल्पों पर विचार किया गया है। दरअसल यूएई ने अपने यहां फंसे हुए भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को वापस भेजने की पेशकश की है, बशर्ते कि उनकी COVID-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आए। हालांकि इस पर मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। भारत में नियुक्त संयुक्त अरब एमिरेट्स के राजदूत रहमान अल बन्ना ने शनिवार को फोन कर गल्फ न्यूज से कहा है कि यूएई के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने देश में मौजूद सभी दूतावासों को इस सिलसिले में पिछले 1 से 2 हफ्ते में पत्र भेजा है, जिसमें भारतीय दूतावास भी शामिल है। राजदूत के हवाले से अखबार में कहा गया है कि हमने ये पत्र भेजा है और यूएई में भारतीय दूतावास सहित सभी दूतावासों को तथा भारत में विदेश मंत्रालय तक को सूचित किया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने यहां के स्वदेश लौटना चाह रहे लोगों को जांच कराने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, हम हर किसी को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ जांच केंद्र हैं और हमने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच भी की है। राजदूत ने कहा कि कुछ कारणवश यूएई में फंसे लोगों को भी विमान से वापस भेजने का भी हम भरोसा दिला रहे हैं। कुछ लोग लॉकडाउन के चलते और भारत में हवाई अड्डों के बंद होने के चलते फंस गए हैं। कुछ लोग यूएई की यात्रा पर आए थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की COVID-19 जांच रिपोर्ट संक्रमण की पुष्टि होगी उन्हें यूएई में ही रहना होगा, उनका हमारे यहां इलाज कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने महामारी के चलते खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक याचिका पर शनिवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंजाब केसरी.com।